साथी के संग संग माई नेम इज साथी लुधियानवी एंड एज यू नो इस प्रोग्राम में हम हमारे पास दो पोइट होते हैं, कभी गुजराती के होते हैं, कभी उर्दू के होते हैं, कभी हिंदी के होते हैं, कभी पंजाबी के भी होते हैं। तो आज हमारे पास दो पोइट हैं, शायर हैं, कवि हैं, कवित्रियाँ हैं बल्कि। एक तो उर्दू में लिखती हैं, उनका नाम है चांद शहज़ाद, और चांद इज एक्चुअली ए साइंस ग्रेजुएट एंड हैव एन एम इन फिलोसफी। शी रोट हर फर्स्ट स्टोरी व्हेन शी वाज 13 इयर्स ओल्ड एंड शी हैज एक्चुअली वर्कड ऑन ऑल इंडिया रेडियो जलंधर एंड और लखनऊ, दिल्ली, रेडियो कश्मीर इन श्रीनगर। आल्सो एक गीतों भरी कहानी शी यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो कश्मीर। इन लंदन शी ब्रॉडकास्ट इन उर्दू फॉर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, एक्टेड इन ग्रेंज हिल। आपने याद होगा कि वो टेलीविजन सीरीज होती थी बच्चों की, एक्टेड इन ग्रेंज हिल, कैजुअल्टी, द बिल एंड फैमिली प्राइड एंड फीचर फिल्म्स लाइक जिना एंड बिजनेस अफेयर एंड थ्रो ऑफ ए डाइस। जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा हम इनकी और इंट्रोडक्शन भी देंगे लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कर लें। चांद जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, खैर मुकदम है। बुलाने का शुक्रिया। तो दूसरे हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हैं दिव्या माथुर। दिव्या माथुर जी को कौन नहीं जानता, एक्चुअली जे नेहरू सेंटर के ज़रिए इन्होंने बहुत खिदमत की है हिंदी की, हिंदुस्तान की, और बड़े जुड़े हुए हैं कम्यूनिटी के साथ, बड़े जुड़े हुए हैं। जो शायर लोग हैं, कवि लोग हैं, उनके प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। शी वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन दिल्ली एंड दिव्या बिगेन हर करियर एज मेडिकल सेक्रेटरी फॉर नीरली 15 ईयर्स एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, वेयर शी इन्वेंटेड शॉर्ट हैंड फॉर ऑप्थोल्मोलॉजी एंड एम ए इन इंग्लिश। शी हैज़ डिप्लोमाज इन जर्नलिज्म फ्रॉम दिल्ली एंड ग्लासगो, और बहुत से इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, भारत सम्मान एट NRI मीट इन दिल्ली। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं, उनके नाम पर एक अवार्ड चल रहा है, वो अवार्ड भी इनको मिल चुका है, एंड वेरियस अदर अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो इंट्रोडक्शन है वो खुद आप भी देती रहेंगी और मैं भी आगे देता जाऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम दरअसल तो पोइट्री का प्रोग्राम है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये आपको ये पता चले कि जो लोग पोइट्री लिखते हैं हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, उर्दू में, उनकी अपनी ज़िंदगी भी है, उनका अपनी कन्विक्शंस भी है, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और परसुएशंस भी हैं, उनके ख्याल पॉलिटिक्स में, सोशल में, कई उनके जो है उनके हम इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हैं। तो सबसे पहले चांद जी आपसे हम बात करते हैं कि आप थिएटर के साथ जुड़े हुए इस दिश में जी। उनके बारे में बताइए कि कैसा थिएटर से। तो मैं मरगूब हूँ और मेरी बहुत शिद्दत से और मुद्दत से रब्ता है मेरा। जब मैं 16 ईयर्स ओल्ड थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ भी हमने कुछ स्टेज में टैगोर थिएटर में प्ले किए, लेकिन आई यूज टू बी मास्टर ऑफ सेरेमनी ऑल्सो, बहुत से वैरायटी प्रोग्राम्स में ही पेश करती थी। अच्छा, कंपीयर करती थी, पेश करती थी जी। आपने एक्टिंग भी की? हाँ, एक्टिंग वहाँ भी की थोड़ी बहुत, रेडियो में भी, एंड यहाँ पे तो ग्रैंड शेल और कुछ फिल्मों में, थिएटर में, BBC, ITV, बिल वगैरह में की, लेकिन मैंने अभी अपनी फिल्म में भी थोड़ा सा छोटा सा पार्ट किया है। तो मैं देख रहा था कि भी तारा आर्ट जो थिएटर है, कंपनी है तारा आर्ट्स, जितेंद्र वर्मा के साथ आपने काम किया, और जितारा आर्ट्स तो बड़ी फेमस। नहीं, जितेंद्र के साथ मैंने काम नहीं किया, इट वाज जज्ड बाय जितेंद्र वर्मा। उसने मेरा एक प्ले कंपटीशन था मांझियो में, ही वाज वन ऑफ द जजेस, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा, प्ले के लिए। अच्छा अच्छा, सो ही वाज अ जज जी। जो मैं जानती हूं उसको बहुत जी अरसे से। जो थिएटर है, जब हम इस मुल्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में ब्रॉडवे बड़ा फेमस है जी। यहाँ जो वेस्ट एंड है वहाँ के थिएटर बड़े फेमस हैं, और वहाँ जब जाते हो आप थिएटर जाते हो तो बड़े एक्सपेंसिव उनके टिकट होते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जिनमें हम रहते हैं, इनको आर्ट की कदर है।
ये परवाह नहीं करते कि 100 pound का टिकट है या कितना है। देखिए मैं ये अप्रिशिएट करते हैं। मैं बिल्कुल यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैंने एक वन वुमन शो किया था, वो वन वुमन शो मैंने ओपन किया था लंदन में, उसके बाद बर्मिंघम, लफबरा, फिर एडिनबरा फेस्टिवल में मैं गई थी। एडिनबरा फेस्टिवल से मैं गई ऑस्ट्रेलिया फ्रिंज में, यही प्ले चंडीगढ़ में भी हुआ। तो कुछ कहना सवाल मेरा ये था एक्चुअली कि हमारे जो लोग हैं, क्योंकि मैं पंजाबियों को तो अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बता रही हूँ यही बात आपको कि चंडीगढ़ में जब टैगोर थिएटर में ये प्ले हुआ और जब भी होते हैं, मुझे तो शर्मनाक बात लगती है कि आईएएस से लेके कमिश्नर से लेके टॉप इलीट फ्री में आना चाहते हैं, वो सबको पासिस देते हैं, कोई पैसे खर्च के थिएटर नहीं आता। जो जनरल पब्लिक है वो भी आते हैं वहाँ, किसी ना किसी से सब पास से आते हैं। एक आदमी को मैं नहीं जानती कि 200 लोगों में 250 300 जो भी पता नहीं कितनी से सब किसी ना किसी के किसी थ्रू पास लेके यहाँ पे लोग, आप देखो मिस साइगॉन लगा है 50-70-80 पाउंड का टिकट लेके भी लोग जाते हैं। मैंने पे किए हैं इतने पैसे क्योंकि शौक है मुझे भी देखने का। तो जो टैगोर थिएटर है ना, उसमें आपको याद होगा शायद, टैगोर थिएटर में मैंने किया है जी, मैंने एक बात याद करवा रहा हूँ आपको कि बलवंत गार्गी, बलवंत गार्गी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे मेरी बहुत उनसियत है। तो वो बता रहे थे मुझे कि जो पंजाबी लोग हैं इनको कन्विंस करना कि भाई थिएटर इज बेटर देन द फिल्म बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनमें वो है नहीं। हम दशहरा करते हैं, उसमें भी करते हैं, वो मतलब हमारा जो संस्कृति है वो थिएटर से असल में तो जुड़ी हुई है, लेकिन आज के दौर में थिएटर जो है हमारे लोग इतना नहीं जाते जितने ये लोग जाते हैं। लेकिन बॉम्बे और दिल्ली में सप्रू हाउस हमेशा भरा होता है, और पृथ्वी थिएटर है बॉम्बे में। अच्छा। तो जब भी जाइए पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में जाहिर है लोग टिकट लेके, इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड है, वहां के लोग इवॉल्वड है। तो जो ये थिएटर की जो बात है मैंने इसलिए की क्योंकि आप थिएटर से कभी अच्छी तरह से जुड़े हुए, दिव्या जो है ये भी बहुत जुड़ी हुई है थिएटर के साथ, इनका आपने इनकी इनका जो लिखा हुआ प्ले था आपने, और मैंने वो प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। और अच्छा, तो आप तो प्रोग्राम करती रहती हैं, मतलब नेहरू सेंटर में 20 साल आपने काम किया, और वहाँ हमारे जैसे लोग, हमको इन्विटेशन आता था, हम जाते थे। आपकी आपने क्या देखा कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं जहाँ रहते हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको शौक है जो शाइस्ता किस्म की चीज़ें हैं उनको देखने का, उनको सुनने का? बहुत कम है। वहाँ पर भी सिनेमा दिखा दो या म्यूजिक या डांस तो लोग आते हैं, पर अगर कोई लिटरेरी प्रोग्राम हो उसमें उनका शौक इतना नहीं है, बोर हो जाते हैं। पर अब जैसे इन्होंने प्रोग्राम करने शुरू करे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई वालों ने, अभी वाली पर एक प्रोग्राम था जी। और शुरू में गांधी जी जब इन्होंने शुरू किया, नेहरू सेंटर, गोपाल गांधी ने, उन्होंने बहुत अच्छे लिटरेरी प्रोग्राम करे, तो बहुत कम लोग आते थे। पर अब मैंने देखा है कि हाल भरा होता है अगर आप गजल सुना दें या फिल्म दिखा दें। मैंने भी नोट किया है क्योंकि हम तो जो मुशायरे, जो कवि दरबार वगैरह करते रहते हैं, अगर तो सिर्फ हम कवि दरबार कर रहे हैं या मुशायरा कर रहे हैं, कम लोग आएंगे। अगर उसके साथ होगा भी म्यूजिक भी साथ में होगा तो हमारे लोग ज्यादा पता है। जो शाइस्ता किस्म की चीज़ें हैं, पढ़े लिखे लोगों की चीज़ें हैं, जो फाइव सेंसेस हैं हमारे आर्ट की, उनकी तरफ हमारी कम तवज्जो जाती है अनफॉर्चुनेटली। इस तरह से जो पोइट्री का ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ये इसी लिए किया है कि हम जब पोइट्री सुनाएं तो ये भी बताएं कि भाई ये जो लोग आते हैं जो पोइट्री लिखते हैं, ये आम लोगों की तरह काम भी करते हैं, इन्होंने भी बिल देने हैं, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। उसके साथ साथ ये लिखते भी हैं और इट दे आर मेकिंग ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास लिखने वाले ना होते तो हमारे पास क्या रह जाता, कुछ भी नहीं। चलो ये तो हमारी थोड़ी सी बातें हो गई, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई कोई कविता, कोई शायरी हो जाए तो मैं किससे शुरू करूँ, आपसे? दिव्या जी, दिव्या जी सुनाएंगी पहले, ठीक है?
मैं आज कोई गज़ल या इस तरह की तैयार करके नहीं लाई, क्योंकि मैं चाहती थी मैं कुछ सीरियस बातें करूं। तो मैं ऐसी कविताएं सुनाना चाहती हूं जो हमारे देश की विषम समस्याओं पर आधारित है। जैसे अभी मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू करा, ऐसी जो हमारे लोग हैं उनमें मतलब समानता की बात नहीं होती है, वो सद्भावना नहीं है उनमें, यू नो, इसको जिसको कहना चाहिए, अपने ड्राइवर्स के लिए, अपने नौकरों के, बहुत उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। तो उस पर मैंने एक दो कविताएं लिखी हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है दिल्ली का एक ड्राइवर। दिल्ली का एक ड्राइवर, तो उससे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। कपड़ों पर इस्त्री कर दो। जी मैडम जी। जरा साहब के जूते चमका दो। जी मैडम जी। बच्चों को पार्क में घुमा लाओ। जी मैडम जी। घर में आज पार्टी है, जरा रसोइये की मदद कर दो। जी मैडम जी। काम वाली नहीं आई, घर में झाड़ू पोछा कर दो। जी मैडम जी। ये ड्राइवर के काम है। ये कमबख्त धोबी कहाँ मर गया, जरा कपड़े धो दो। जी मैडम जी। आज मैं बेहद थक गई हूँ, जरा पांव तो दबा दो। जी मैडम जी। तो वहां पर एक ड्राइवर से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और उसके पास कोई चॉइस नहीं है नहीं रहने की। ऐसी एक दूसरी कविता है आकस्मिक क्लर्क यानी कॉन्टिंजेंसी क्लर्क, उनसे कैसे बिहेव करते हैं। रोग अवकाश के लिए मैंने विभागाध्यक्ष को आवेदन पत्र दिया। कोई जरूरी काम बाकी तो नहीं है, उन्होंने पूछा। मेरे हुलिये का मुआयना करते हुए उन्होंने पूछा। नो सर, अप्रसन्नता से दस्तखत कर उन्होंने आवेदन पत्र मेरी ओर उछाल दिया। मैं उसे लपक कर सहचारी के पास पहुंचा, जो अपनी नई समधन के संग व्यस्त थे, समोसे निपटाते जिनकी चाय ठंडी हो गई थी। मैं 40 मिनट से खड़ा था, बुखार के बढ़ जाने से कप कप आ रहा था। सहचारी के सचिव ने इस बीच अपने दो एक काम मुझे थमा दिए, जिन्हें मैंने अर्ध बेहोशी में निपटाया। गिरता पड़ता मैं निदेशक के पास पहुंचा, जिन्होंने मेरी दयनीय स्थिति को नजरअंदाज करते हुए मुझसे दो जरूरी पत्र टाइप करवाए। उनका सचिव किसी निजी काम से बैंक गया हुआ था। साला नाटक कर रहा है, मुझे सुनाई दिया। मैं अपना चकराता हुआ सिर थामे बोला, नो सर, मैं सचमुच बीमार हूं सर। कुर्सी मेज पर बिखरता हुआ शायद मैं बेहोश हो गया था। एम्बुलेंस में आंख खुली तो सोचा कि मैं सरकारी अधिकारियों से ग्रस्त था एकाएक, किंतु डॉक्टर ने बताया कि मैं शिंगल से ग्रस्त था एकाएक। मेरे विभाग के सारे कर्मचारी और अधिकारी चिंतित हो उठे। न जाने किस किस को लग चुकी होगी मुझसे यह भयंकर छूत। निदेशक ने तत्काल एक ऑफिस ऑर्डर निकाला विद इमीडिएट इफेक्ट। रोग अवकाश के आवेदन पत्र अब से केवल सहचारी डील करेंगे। सहचारी ने क्या सारे कामों का ठेका ले रखा था, उसने भी अपनी बला विभागाध्यक्ष पे डाल दी। मेरे छुट्टी से लौटते ही उसने यह काम भी मुझ पर थोप दिया। बहुत खूब। हमारी ब्रेक का टाइम हो गया है, बहुत जल्दी आ जाती ब्रेक, तो टाइम रेडियो पर हो, टेलीविजन पर हो, पता नहीं क्या घड़ी शायद तेज चल रही होती है, मैं तो कैमरे के सामने अपनी घड़ी भी नहीं देखता। तो बहुत उम्दा आपकी ये चीज़ें हैं दोनों ही, और इसके बारे में जो इनइक्वालिटी है इंडिया की जो सोसाइटी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक। सो दोस्तों, हमारे पास आज दो कवित्रियाँ हैं, शायरा हैं, हिंदी की और उर्दू की। एक का नाम है चांद शज़ैल और दूसरी का नाम है दिव्या माथुर। ये दोनों बहुत उम्दा किस्म की शायरा हैं, और इनको आप सुनिए, और थोड़ी सी ब्रेक के बाद आप There you go. Thank you. And have a great day. Well, what about my change? What can you get with 1p? A call to my mum who lives in India. You don't believe me? Mum! Hi, Bata. How are you? Call India Landlines and Mobiles for only 1p per minute. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. When your dreams are just taking flight and the wind beneath them, I whisk you away to the twinkling Queen's Necklace by night in Mumbai, or the rising dry heat of the Australian outback
to the street food of Bangkok or the teeming traffic of Delhi in time for you to nail that deal, meet the family, shop till you drop, or just rest your feet. I'm your Air India, from dreams to reality. Pure Heaven, non-alcoholic celebration drinks, all the fun without the alcohol. Pure Heaven, make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores. Dosto, welcome back to our studio, MATV. And program's name is Sathi Ke Sang Sang, and we got two guests today, Divya Mathur and Chand Shazal. Chand Shazal ji Urdu mein likhti hain aur Divya Mathur ji Hindi mein likhti hain. Chand ji, aap Urdu mein likhti hain, kitni kitab likh chuki hain aap? Poetry to kafi yahan chapi hai bahut sari magazines mein, lekin short stories Urdu mein kahaniyon ki kitab chapi hai. Ji. Uska naam hai नकाब उठाने तक, या और अभी तो मैं ज्यादा फिल्म पे काम कर रही हूं. नकाब उठने तक और उठाने तक, उठने क्योंकि अंग्रेजी में कुछ और बन गया. हां जी, उठने तक. तो आम तौर पे मैं बचपन से मुझे कविता पढ़ने का शौक नहीं था लेकिन आप अब लिख रही हैं. मुझे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने, कहानियां और नॉवल पढ़ने का शौक. मैंने इसमें चुगताई से लेके मंटो से लेके कृष्ण चंद्र राजेंद्र सिंह बेदी तमाम उर्दू कुरुतलैन है जिन लोगों के अफसाना नगार जो हैं उनके नाम दिए आपने, वो टॉप के हैं, मैंने भी उनको पढ़ा है. तो इन जो अगर तीन राजेंद्र सिंह बेदी राजेंद्र कृष्ण सॉरी मंटो मंटो और तीसरा क्या नाम दिया आपने, हमारी बहुत मुलाकात भी रही, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था और वो इंटरव्यू अब उनके नॉवेल्स के दिबाचे की तरह छप रहा है किताबों. क्योंकि अगर कोई मुझे पूछे तो मैं एक नंबर वन पर रखूंगा मंटो, मंटो नंबर दो पर कृष्ण चंद्र, फिर बेदी साहब. मेरे लिए तो चलो अपने दूसरे दोस्त हैं, ऐसे वो मैं लेकिन वो सभी सुपर्ब राइटर थे. लेकिन मैं फिर भी उनको एक दो तीन नहीं कहूंगी. मुझे लगता है कि उनका मयार जो है वो अपने दो कृष्ण चंद्र इसमें चुगताई एक ही धरे के उतने अच्छे हैं. कोई ये नहीं कह सकते कि आपने उपेंद्र नाथ आशिक को पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा. कैसा है? मुझे पसंद है उनकी कहानियाँ. ओके, कमिंग बैक, राजेंद्र सिंह बेदी से तो हमारी मुलाकात भी रही है. हाँ, जहाँ भी आए थे मुझे मिलते रहे. तो आप फिर जो शायरी है इसकी तरफ कैसे आए? मैं ये बताना चाह रही हूँ, कुछ अजीब सी बात है. क्या हुआ, मैं दिल्ली में थी, शायद आपके हाजरीन को सुन के अजीब लगेगा. हुआ क्या, 20वीं सदी की एडिटर के यहाँ बैठी हुई थी, तो उनके यहाँ कोई पार्टी थी. तो वो कहने लगे कि चलो, मदऊ किया मुझे भी. तो मैंने देखा कि लोग इतना शराब पी के, इतनी ज़्यादा विस्की पी के, तो चिकन की जो टांग और उनको फेंक रहे थे और ये, तो वो देख के उस रोज जब मैं घर लौटी तो मैं उस रात पता नहीं ये नज़म, मैं आपकी पहली नज़म है, ये पहली नज़म ओके. तो जिंदगी सूरज की आग में झुलसती जिंदगी, जाड़े में ठिठुरती जिंदगी, ये जिंदगी
कि बेबस मुफलिस इंसान जो एक सूखी रोटी के लिए जूझते हैं उम्र भर, जिन्हें गर्मी की तपिश में मुयस्सर नहीं एक बूंद पानी में, और इन महफिलों में लुढ़कते ये जाम और मेज के नीचे पैरों तले रोंते हुए काजू बादाम और पिस्ते और ये छलकते हुए जाम कैसे उतरते हैं उनके हाथों से। ये महक तंदूरी मुर्गे की मुझे तो, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, हाइड्रोजन सल्फाइड सी ओके या उधर पत्तलों पे बच्चे चावल के चंद दानों के लिए तरसते मासूम भूखे बच्चे, कंट्रास्ट है ना, और खुरदरी जमीन पे रगड़ती ये बीमार और बूढ़ी हड्डियां दिसंबर की सर्द रात में एक भी गर्म कपड़े के बिना कैसे आती होगी नींद में। बहुत खूब। और इधर मैं डनलप के गर्म गदैलों पे इलेक्ट्रिक कंबल के तले मुझे नींद क्यों नहीं आती, तमाम रात करवटें बदलते गुजर जाती। ये आपकी पहली नज़्म, ये मेरी पहली नज़्म है, तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लिखूंगी, लेकिन उस वाकया उस शाम को देख के मजबूर। तो वहाँ जो जिंदगी की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मन तो बहुत खराब होता है जब जाते हो कि क्या, क्योंकि जब भी कोई भी बात किसी देश में भी होती है तो जो गरीब आदमी वो मरता है, क्योंकि ये बात तो तस्लीम हो चुकी है कि इंडिया में एक साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो बिलो पावर्टी लाइन में रह रही है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात की थी, और इन्होंने भी टच उसी बात को किया है लेकिन एक डिफरेंट अंदाज से किया। तो आपने कहा कि भाई नौकर के साथ वो कैसे व्यवहार करते हैं वहाँ, जैसे वो इंसान है ही नहीं। तो आप 1985 से यहाँ रहे हैं, तो काफ़ी मुद्दत हो गई आपको रहते हुए, बच्चे यहीं पे पले बड़े जी। तो आप जब वहाँ जाते हो तो कितने दिन आप उदास रहती हो वहाँ की कंडीशन देखकर? मैंने जो इसलिए कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वी गो टू इंडिया और पाकिस्तान वट एवर, तो थोड़े दिन के बाद फिर उन जैसे हम हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं होती, क्योंकि हर तरफ वही आलम है, गंदगी और यू नो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो व्यवहार जो है नौकरों के साथ और हर एक अपने छोटे के साथ, या इतना दलितों के ऊपर बात करते हैं, दलित दलित दलित, मतलब तब तुम दलित को ठीक से व्यवहार भी नहीं करोगे तो कब वो आपके लेवल तक आएंगे? गवर्नमेंट उनको इतनी छूट दे रही है इसलिए कि ताकि वो हमारे बाकी के लेवल लोगों के पे आ जाए, इतनी छूट दी जा रही है, लेकिन पर जब होता नहीं आप यहां से जब तक आप व्यवहार नहीं करेंगे। जब आप यहां से जाते हो तो सिस्टम को इम्यून हो जाते हो या नहीं? नहीं, आई आस्क यू बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सम पीपल। वो कहते हैं कि भी हम जाते हैं वहाँ तो हमें बहुत दुख होता है कि पीपल आर ट्रीटेड लाइक दिस, तो व्हेन वी गो देयर वी डोंट मिसट्रीट देम लाइक दे डू, बट इवेंचुअली हमें पेन, हमारी पेन कम हो जाती है। कम नहीं होती, क्योंकि एक तरफ तो आप, मैं तो पिछले साल 4 महीने ठहर के आई हूं, लेकिन नहीं। अच्छा, आप गजल भी लिखती हैं? नहीं, गजल नहीं आप लिखते, आप लिखती हैं गजल? एक गजल हो जाए कि गजल सुनाइए आप, वो गजल सुनाओ जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलो, इनकी पसंद ले लो, आप ही सुने उधर। चलो जी, वो आपकी ये बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये इनकी लिपि तो हिंदी है लेकिन उर्दू के लफ्ज हैं इसमें काफी। एक ये लिखी हुई तो दिव्या की है और इसका उन्वान है कायल नहीं हूँ, खुदा जब बुलाएगा सोचूंगी तभी, मैं जल्दी में उठने की कायल नहीं हूँ, तैयार हूँ यूं दफन को मैं अपने, जिंदा हूँ लेकिन थमा पल नहीं हूँ, जरा सांस लेने को मैं रुक गई थी, जल्दी चलूंगी कि घायल नहीं हूँ, ठिठकने को
तालाब कहते हो क्यों तुम? मैं बोतल में कैदी गंगा जल नहीं। वाह, कभी मांग कर मुझसे देखा तो होता, कभी मांग कर मुझसे देखा तो होता, न प्यासे को जल दे वो बादल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिव्या जी, बहुत अच्छा। मोहब्बत है तुझसे माशूका तेरी, तेरी मुश्किलों का मगर हल नहीं हूँ मैं। कल की कहानी क्या, क्या किस्सा कल का, कल मैं नहीं थी तेरा कल नहीं हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छा जी। तो आप देवनागरी जो लिपि है? हाँ, मैं तो गुरमुखी भी पढ़ती हूँ, देवनागरी भी और पर्शियन स्क्रिप्ट भी। अच्छा, पर्स, हाँ, वो पर्स, हाँ, हाँ, अच्छा। तीनों लिखती हूँ मैं जी। तो ये तुझे बातें होगी कि हिंदुस्तान में जो बराबरियत तो नहीं है, जो इक्वेलिटी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मानस की जात है, सबा एक है पहचान हो, लेकिन हम एक पहचानते नहीं हैं। ये नहीं कहते कि सभी बराबर हैं। तो जब आप इस मुल्क में, आप काफ़ी देर से इस मुल्क में रह रही हैं, 46 ईयर्स, तो आप भी बहुत देर से रह रही हैं, तो जब यहाँ का आप सिस्टम देखते हो कि इतना उम्दा सिस्टम है, हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो अहलकार हैं यहाँ आते हैं, क्या वो कोई गहर वो देखते नहीं है कि कैसे चल रहा है ये सिस्टम? दिस सरप्राइजेस मी, क्योंकि जब भी आप देखें, और अब बल्कि अखबारों में था कि मोदी के मकसद क्या था अमेरिका जाने का, तो जब भी लोग गवर्नमेंट में आते हैं, तो चाहे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज भी हैं, 200-300 इनकी विजिट्स हो जाती हैं, तो आते हैं यहाँ। ये मैं हमेशा सोचती हूँ, जितना आईएएस ऑफिसर बनता है फॉरेन ट्रिप लगवाओ, तो यहाँ आके भाई तुम देख के जाते हो, तो कुछ सुधार करो, कम से कम सड़कों को साफ रखो, ट्रैफिक। हिंदुस्तान में मेरी जो सबसे बड़ी उलझन है वो केओटिक ट्रैफिक है। I cannot bear to be in the street. इतनी बुरी ट्रैफिक, तो जो ऐसा जो माहौल है, इंडिया का माहौल है, जहाँ का माहौल है, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, जब इस I've been living here for number of years now, तो I can easily compare the situation in this country with that of India, Pakistan, America, everywhere. I can compare that. That is because we, you, us, we are पढ़े लिखे लोग हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग इंडिया से आते हैं, क्योंकि आप तो बहुत नज़दीक हैं इन लोगों के, बिकॉज पीपल कम जिस दायरे में आप काम कर रहे हैं, तो आपके क्या इंप्रेशन बनते हैं इन लोगों के? क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो बड़ा बिहेव करते हैं, सब कुछ होता है, एडमायर करते हैं, कहते हैं इतना अच्छा ट्रैफिक, इतना ऑर्गेनाइज है, डेमोक्रेटिक कितनी है, तो आप वो क्या कहते हैं? फिर यहाँ आके वो बहुत एक्सीडेंट्स करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। आपने सड़क पे देखा होगा लोग अंगूठा उंगलियाँ उठा के उनको गालियाँ देते हैं, लाइट जला के बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, पर दे डोंट बॉदर। लेकिन मैं बता रही हूँ, एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे मुझे इल्लत है कि ज़ेब्रा चाहे वो अमेरिका में हो, इटली में हो या इंडिया में हो, मैं चाहती हूँ जैसे हमें यहाँ आदत है कि कोई ज़ेब्रा क्रॉस करने लगे तुम रुको। इंडिया में कोई नेम नहीं है, तो डू यू थिंक कि ज़्यादा बात नहीं हम कर सकते पॉलिटिक्स के बारे में, एक छोटा सा टच करते हैं कि डू यू थिंक नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है टू स्टॉप दिस करप्शन और सफाई वगैरह की, डू यू थिंक ही विल बी सक्सेसफुल? लगता तो है, उम्मीद की जा सकती है, और मैं सोचती हूँ कि हम मतलब जनता को भी उस उठना पड़ेगा उस तरफ, यू नो, सफाई के लिए। नहीं कि एक दिन झाड़ू लगा दी तो हो गया गांधी जी के वहाँ जाके, लेकिन एक बार फिर रोजमर्रा की बात है, क्योंकि जो सिविक सेंस है ना, अगर सिविक सेंस ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ इस मुल्क में भी ऐसी बातें हैं, ये नहीं कि इंडियन करते हैं या पाकिस्तानी करते हैं, ये लोग भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं। मैं कंपैरिजन की बात ये करना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में बच्चों के लिए और घर में बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वो टोटली खत्म हो जाता है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं ना समझते। अच्छा, तो आप अपनी कुछ सुनाइए चीज कोई जो
अच्छा तो, आपको अच्छी लगती है? तो वो तो पहली थी और ये शायद क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ नहीं लिखा है एंड एक बहुत ये सिंपल सी है, उसके बाद अगर वक्त होगा तो एक और सुनाऊंगी। जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, यस। उम्र भर की चाहत का सिला वफा ही हो ये जरूरी तो नहीं। हमारी हर सिसकी हर आह बेअसर चाहे न हो लेकिन दिल उनका भी तड़प जाए जरूरी तो नहीं, तो नहीं। ये अश्क चाहे न थमे इस समंदर में चाहे जहां डूबे लेकिन साहिल पे खड़े उस बेमुर्रवत राही पे ये सूरत आया हो ये जरूरी तो नहीं। मैं महरूमियों के गहरे गार में खो जाऊं मगर उजाले उनके दामन में न सिमट पाए ये जरूरी तो नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खूब। एंड ब्रेक फिर आ गई हमारी, टाइम कितनी जल्दी जल्दी गुजरता है। तो दोस्तों अच्छी बातें हो रही है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे होंगे। हमारे पास बहुत उम्दा लोग बैठे हैं दो, इनकी मेहरबानी की आए इतना सफ़र करके लंदन से, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्या माथुर जी और चांद शिजैल जी। और थोड़ी ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू MATV स्टूडियोज और हमारे पास दो गेस्ट हैं, दिव्या माथुर एंड चांद शिजैल। और दोनों बहुत उम्दा पोइट्स हैं, इनको हम आप सुन रहे हैं। सबसे पहले दिव्या जी, आपको तो बहुत इनाम मिल चुके हैं, बहुत पुरस्कार आपको मिले हैं। सबसे पुरस्कार तो सभी अच्छे होते हैं क्योंकि आपका आफ्टर ऑल इट इज़ ए रिकॉग्निशन और सभी चाहते हैं कोई रिकॉग्निशन हो। कौन सा पुरस्कार था जो आपको बहुत अच्छा लगा कि मिला आपको? यहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड का आर्ट्स अचीवर अवार्ड था जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि इनके वर्ड में आके मैंने वो जीता फॉर ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। एग्जैक्टली, मुझे भी जब वो ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दी थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अपनी तकरीर में वहाँ मैंने स्पीच की 5 मिनट की, तो उसमें जो मैं कहना चाहता था इन लोगों को मैंने कहा, शिकायतें नहीं की, कहा कि हमारा भी संघर्ष था यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब इनके गढ़ में आके आप कुछ जीते तो दिस इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, यस इट्स ग्रेट। अच्छा तो आप क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बातें तो बहुत करने वाली हैं, फिर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तो आप उर्दू में लिखती हैं तो कोई अपनी कोई एक चीज सुनाइए, क्योंकि हमारे जो उर्दू को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं हमारे पास। बिल्कुल, हम अपने उर्दू के चाहने वालों की यही नज़र करते हैं। अच्छा, हम बंध जाते हैं अपनी ही चाहतों के आहनी हिसार में। बहुत खूब। हम बंध जाते हैं अपनी ही चाहतों के आहनी हिसार में और खो बैठते हैं इन मसलहतों में पिंदारे हयात ताज़ी। वाह। क्यों किसी से तकाज़ाए महरूमिये ज़ात करें, सिलाए हयात है यही, नसीब में था बस यही, कोई चाह कोई आरजू किसी हम नफस के लिए, एक मुबहम सी उम्मीद भी माने दे सराब। बहुत। इस सराय बेआब में सफीना जब्त दामने इख्तियार खो बैठा है, हबसे कामरानी की दौड़ में इरादा मुतजलजल था, सहारा काबिले मुदाफत न था, गर्दिश दौरा की लामहदूद मुसाफत बाकी है, गर्दिश दौरा की लामहदूद मुसाफत बाकी है, चारा घर की तलाश बेमसरफ है बेमकसद है, एतमादे एतमादे खुदी बुलंद किए जा। बहुत हो। शमाए उम्मीद से सत्ती क्यों है, वाह वाह, एक बार फिर तमन्नाओं की लाशों को जला दे, हरारत जिंदगी है, सर्द
उमंगों को हिदत बहुत आपने मैंने पूरी तरह से ना वो क्या कहते हैं कि केंद्रित कर रहा था अपना जो दिमाग था समझने के लिए कि आप क्या कह रही हैं। बहुत उर्दू आपकी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम तो समझने की कोशिश करते रहते हैं और आप जैसे जो लोग हैं इनकी जो संगत है आपकी वजह से भी अच्छी है कि आपको ना समझ आते हुए भी सब समझ आ गया। क्योंकि वो कहते हैं कि पोएट्री और संगीत की कोई जुबान नहीं होती और मुझे मालूम है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले आपके प्रोग्राम देखने वाले बहुत से लोग अपने जो तासरात हैं आप क्या सोचते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में तो प्लीज फीडबैक हमें दीजिए। आपकी बहुत सी ईमेल्स आती हैं लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है लेकिन आई विल मेंशन योर नेम नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम कि जो हमारा जो ईमेल आईडी है वो है skss.matv.com इस पर आप @gmail.com सो लेट मी रिपीट दिस skss.matv@gmail.com इस पर आप ईमेल हमें भेज सकते हैं। तो दिव्या जी आप सुनाइए कुछ। मैं एक और सुनाती हूँ इसका शीर्षक है दस्तक। ना सुने तो कोई क्या कीजिए दस्तक देने में हर्ज है क्या। वाह वाह हम खुशी खुशी भुगतेंगे इसे जो मिट जाए वो मर्ज है क्या। वाह वाह दिन मांगा जहाँ हमने दी ये छोटा मोटा कर्ज है क्या। हमको तो कोई गिला नहीं तुम ही जानो कि फर्ज है क्या। हर सुबह को हाँ और शाम को ना ये भी कोई तर्ज है क्या। कर लिया सर्द सीना अपना बिन सुने हमारी अर्ज है क्या। खामोश हो क्यों बतलाओ तो दरख्वास्त हमारी दर्ज है क्या। बहुत बहुत खूब आपने कहा था कि आपने एनवायरनमेंट जो है इसके बारे में भी आप शिद्दत से सोचती हैं लिखती भी होंगी कोई है ऐसी चीज जो सुना सकती हैं। फिलहाल तो while you are doing this तो हम टाइम जो इसका फायदा है दिवाली दशहरा आने वाला है क्योंकि मैं एक बात आपसे करना चाहता था जो हमने वो बैठे थे तो वहाँ बात की थी। आप बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि इंडिया में जो विमेन फोक हैं उनके साथ जबरदस्त बेइंसाफी होती है उसके लिए भी हम बात करेंगे। बड़ा दुख होता है लेकिन बात करने का टाइम तो नहीं है लेकिन कोई ऐसा है आपके पास कोई कविता कोई नज़म कोई चीज जो आप सुना सकती हैं। इस वक्त शायद मेरे पास चलो आप सुनाइए जो भी है लेकिन अभी दिवाली आने वाली है जी 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 तो ये कहानी का उनवान नज़म का है रावण। ओके उस रोज दशहरे के महल मेले में मैंने रावण के बुत को जलते देखा। 10 सरों का ज्ञान लिए सबसे ऊपर गधे का सिर बिराजे। यदि यही तथ्य सत्य है तो उस आकल की 10 गुना जहनियत का इकरार तो बजा है तो फिर उसका यह हशर क्यों। और नकाबों के इस शहर में सिर्फ एक ही सर के मालिक और वो भी गधे का कोई उनके बुत क्यों नहीं जला। वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल कर दीजिए। हाँ जी ये कविता है भ्रूण हत्या पर क्लोन्स। इस पे मैंने कहानी लिखी है। तो जब बेटा होता तो भारत में कांसे की थाल को बजा के गांव को बताते हैं कि बेटा हुआ। कांसे की थालों को कोलकी में बंद कर दो क्योंकि पैदा होने वाला हर बच्चा अब बेटा ही होगा। वाह वाह अब शायद नवजात बच्चियों की पलंग के पाए तले दबाकर हत्या ना हो जी ना ही स्त्री भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त करने की आवश्यकता पड़े। बधाई हो बेटा हुआ है बधाई हो बधाइयों की अनवरत ध्वनि से गूंजता रहेगा संसार। बहुत अच्छा जल्दी ही पुरुष क्लोन्स की बस्तियां बस जाएंगी। प्रतिलिपियों पर आधारित एक ऐसी पीढ़ी होगी जिसकी ना माँ का पता चलेगा ना ही बाप का। वाह 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 संग्रहालय में प्रदर्शित बची खुची महिलाएं तब भी मनोरंजन का साधन ही रहेंगी। हाथापाई युद्ध लड़ाई संग्राम में जुटी पुरुष प्रधान पृथ्वी कब तक टिकेगी। पर फिलहाल बधाई हो बेटा हुआ है बधाई हो। बहुत खूब
ये जो वहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिखे, मैंने कहानी लिखी है और जो भी देखने वाले हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये कहने की जरूरत है हमें कि अगर मैंने कहानी इस पे लिखी है कि अगर आप तमाम फीमेल एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड अ फीमेल वूम टू प्रोड्यूस अ बॉय. तो ये इसी के बारे में थी, क्लोन्स के बारे क्योंकि में ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है. लेकिन वो पता आपको शायद याद होगा कि कोई 3-4 महीने के पहले दो लड़कियां जो थी उनको गैंग रेप किया गया था और फिर उनको दरख्तों पर लटका दिया गया था. तो जब उस पर मैंने भी नज़्म लिखी थी लेकिन आपका प्रोग्राम है मैं नहीं कहता. नहीं, लेकिन प्लीज़ ज़रूर सुनिए. मैं सिर्फ जो मेरे से ना कि जड़ियाँ तियाँ हैगियाँ औरतें हैगियाँ इन्हों की रखवाली कौन करेगा. ये 3-4 शेर मैं सुना कि तियाँ की रखवाली हिंद विच कौन करे, तियाँ की रखवाली हिंद विच कौन करे, धी का सालू पाटा तोपा कौन भरे. सालू का मतलब समझ जे तियाँ की रखवाली हिंद विच कौन करे, धी का सालू पाटा तोपा कौन भरे, धी का बाबल कंधा ओले रोंदा है, धी का बाबल कंधा ओले रोंदा है, लहू च रत्ता धी का सालू धोंदा है. वो लड़की थी ना जो दिल्ली में मार दी गई थी, उसके पिता की बात है ये कि धी का बाबल कंधा ओले रोंदा है, लहू च रत्ता धी का सालू धोंदा है, टीवी उत्ते धी दे यौन की चर्चा वेख अंदरों अंदरी रफ्ता रफ्ता बाप मरे, तियां दी रखवाली हिंदू च कौन करे. लंबी कविता है लेकिन लेकिन बहुत अच्छा है. हाँ जी, और ये तो ये जो कविता है मेरी वो छप चुकी है बहुत और सुनाता हूँ मैं. कभी फिर से ही सुनाएंगे, कभी आप प्रोग्राम में आएंगे प्लीज. हाँ, बताएंगे कार्यक्रम में आइए. हमारे हमने वो वातायन की स्थापना इसलिए की है. उसके बारे में आप बताइए. वो हमने 1998 में की थी उसकी स्थापना. तो एक दफा मैं आया था, नदाफ फाजली साहब आए. तो हम लोग बड़े बड़े कवियों को भारत से बुलाते हैं, उनको इनाम देते हैं और कवियों का ही मंच है कि हम सब बैठ के एक दूसरे की सुनते हैं और सुनाते हैं. तो अच्छी बात है. हाँ, अच्छा तो आप और सुनाइए कुछ. तो ये मैं आपको सुनाती हूँ, ये थोड़ी लाइट है, आखिरी है शायद. दिल का रोग. दिल का रोग. आपको याद अब नहीं करते, वक्त बर्बाद अब नहीं करते. मिलते रहने का एक जुनून सा था, आपको देखे बिना सुकून न था. बेकरार आप अब नहीं करते, रातें बेकार हम नहीं करते. एक जमाना था आहें भरते थे, यूं ही बेवजह अश्क झरते थे. एक धुंधला सा अक्स बाकी है जिसे पहचान हम नहीं सकते. कुछ ज्यादा ही ये धड़कता है, दिल का ये रोग हमको लगता है. परवाह धुएं की कौन करता है, दिल ये जलता है हम नहीं जलते. कौंधता तन था मेरा बिजली सा, मन था कांटे में फंसी मछली सा. जख्म सब आपके ही तोहफे हैं, शुक्रिया कैसे हम नहीं करते. आपको याद हम नहीं करते, वक्त बर्बाद हम नहीं करते. वाह जी वाह, क्या बात. अच्छी बात है, अकल आगे जल्दी आगे. तो हमें कब अकल आएगी. तो ये जो 3-4 शेर है इसमें जी गजल के आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया. बहुत सुंदर. आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम किया. अच्छा, देखो उल्टी बात हो रही है. हमें पता नहीं कब अकल आएंगे. तो आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम किया. तन मन धन और जज्बे सारे पाकीज़ा, बहुत जो भी था मैं तेरे नाम तमाम किया. तो शेर व शायरी और सभी उम्दा आशार, शेर व शायरी और सभी उम्दा आशार, तेरे नाम में अपना सनम कलाम किया. बात हो. तो आखिरी कहता हूँ, आखिरी तो नहीं है लेकिन कि हम तो तेरे थे, तेरे ही रहेंगे हम, अपने आप से वादा सुबह शाम किया. बहुत तो मकता कह दूंगा जल्दी से. तो मकता है कि अब तो साथी तेरा है बस तेरा ही. सुन रही है? तो साथी तेरा है बस तेरा ही. कुछ ससना भी चाहिए भाई. अब तो साथी तेरा है बस तेरा ही, मेरे दिल में जब से तुमने कयाम किया. अच्छा.
अच्छा तो सुनाइए कुछ, हमारे पास एक दो मिनट हैं। अच्छा तो आप सुना दीजिए, आप कैक्टस सुना दो। हाँ, कैक्टस ये मुझे बड़ी पसंद है। एक दूसरे की कविताएं क्या आपको मिलती रहती है ना? हाँ, ये बल्कि लिखी अंग्रेजी में थी, मैं अंग्रेजी में भी लिखती हूँ, ज्यादा मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ। अच्छा जी। मेरी पोएट्री भी, कहानियाँ भी, नॉवल भी, और जाहिर फिल्म भी मेरी अंग्रेजी में है। कैक्टस। कैक्टस की मानिंद तन्हा इस वीराने में जोग रमाए साधना में लीन तशनगी के दामन से बंधी जिंदगी। तशनगी कहा ना आपने? तशनगी, तशनगी प्यास। हदे निगाह तक फैला ये रेगिस्तान, इस रेत के दरिया में किसी कदम के निशान भी तो नहीं। मेरे गम का इलाज मेरी रूह, मेरे दिल की सिसकती आवाज तक पहुंची तो है। माना कि मेरी देह के कांटों से छलनी हुए जाते हो तुम, लेकिन क्योंकि कैक्टस को लाल फूल भी लगता है जी, बिल्कुल, लेकिन मेरी इस सुर्ख रू नरम गुद्दास पंखड़ियों के चुन से महरूम हो तुम। बहुत खूब, बहुत सुंदर, ठीक है। नहीं, इन्होंने ना हिंदी में किया तो वो जो लफ्ज मैंने उर्दू में इस्तेमाल किया, तुम मेरी इस सुरखुरु गुद्दास पंखड़ियों के लम्स से तुम बेपहरा हो हनूज महरूम। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दिव्या जी आप सुनाइए, क्योंकि बस हमारे पास 40 मिनट रह गए हैं। अच्छा, एक और थोड़ी हल्की सी है जी। अंगारे तुम्हारे शब्द गालों पे गुलाब खिलाती हैं, तुम्हारी सुर्ख सांसें मेरे होठों पे उतर आती हैं, सावन की बूंदों से तुम्हारे चुंबन कुछ ऐसा खुमार लाते हैं, मुन जाती हैं आंखें बरबस वे जब पलकों पे बैठ जाते हैं, पंखा झलती तुम्हारी बातें देती हैं भड़का मन में लगी चिंगारी को देकर के हवा, अंगारे हैं तुम्हारे शब्द जलती रहती हूँ मैं निशब्द। इसको फिर कहो जी, आपके पंखा झलती तुम्हारी बातें देती हैं भड़का मन में लगी चिंगारी को देकर के हवा, अंगारे हैं तुम्हारे शब्द जलती रहती हूँ मैं निशब्द। अच्छा, आपने कभी जो ह्यूमरस कविताएं होती है ना, हास्यरस की कविताएं होती है, वो भी कभी लिखी है? इनके पास बहुत है मेरे पास। तो आप थोड़ा सुनाइए उसके बारे में। मेरी सब दुखी करने वाली। चलो, दुख सुख साथ ही चलता है। एक है कि हमारी जो स्वीटेस्ट थॉट इज इन सैडेस्ट। यस, लास्ट सेकंड्स है हमारे पास। अच्छा, छोटा जीवन लंबी यादें कैसे क्यों कब तक भागें। और मैं सुनाना चाहती थी एक बिल्ली पर एक कविता है कि मुझे ध्यान नहीं आ रही। संबंध ठहरे पानी से सड़ने लगे हैं, आओ हम अब एक दूसरे के कंधों से उतर जाएं और अपनी अपनी राह चलें। तो दोनों आप आए जहां, मैं आपका बहुत आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि आप आए। मैं नोटिस भी दो तीन हफ्ते का ही दिया आपको। तो दिव्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ और इनको भी लेके आए, आप दूसरी और भी जो कवित्रियाँ हैं, कवि हैं, उनका भी आप करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, दैट वाज आवर प्रोग्राम, आई होप यू लाइक्ड इट।